आप लोग डेली खाना ऑर्डर बाहर से ही करते हो? नहीं, वो तो तुम दोनों आए हो इसलिए आज बाहर से खाना ऑर्डर करने का मौका मिल गया। एटलीस्ट टेस्टी खाना खाने को तो मिला, वरना हम दोनों के हाथ का बना खाना खाते तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता। क्यों कह रहे हो? तुम क्या करते हो अमर? मेरा भी बीटेक कंप्लीट हुआ है और कल एक मेरा इंटरव्यू भी है गुड़गांव में। ओह दैट्स गुड, आई होप सो कि तुम्हारा इंटरव्यू जल्दी क्लियर हो जाए और तुम्हारी जल्दी जॉब लग जाए। थैंक्स।
What happened? Nothing. Hey, I'm sorry. Sorry for what? Sorry कि मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हें किस कर लिया. देखो, I really don't want to hurt you, but this is my feeling, and trust me, I never had any relationship with any boy. So मैं तुम्हें बिल्कुल भी hurt नहीं करना चाहता. This is my feeling. I hope कि तुम समझ सकते हो. I am not into a boys. Anyways, कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है, मैं तो भूल ही गया था. तो तुम सो जाओ, मैं गौरव और नीलेश के पास सो जाता हूँ. वेट, जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने तुमको बता दी. अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ जाकर सोओगे. हम यहाँ साथ सो सकते हैं, प्लीज. ओके. गुड मॉर्निंग. और अमर गया इंटरव्यू के लिए? हाँ, और अब तू भी जा. मतलब? अपना बैग पैक कर ले भी. क्या हुआ गौरव, इतनी रूडली क्यों बिहेव कर रहा है? नीलेश, व्हाट हैपेंड टू हिम? शुक्र कर, मैं तुझसे अभी रूडली ही बात कर रहा हूँ, वरना तू भी नहीं समझ सकता मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ. देख गौरव, पहले तो तमीज से बात कर, ठीक है ना? मजाक कर रहा है तो अलग बात है. मैं तेरे साथ कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा. मजाक तो तूने हमारी दोस्ती का बना दिया है. गौरव, क्लियरली बता, हुआ क्या है, बात क्या है? तो तू चाहता ही है कि तेरे जाने से पहले मैं तुझे जलील करूं? तो सुन, तुझे हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है. क्या बकवास करे जा रहा है गौरव? कम से कम मेरे कजिन को तो छोड़ देता. गौरव, चिल्ला मत, मैं तेरा यही मुंह तोड़ दूंगा. बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुझ पर. गुस्सा तो मुझे तेरे ऊपर आ रहा है गौरव. अच्छा, क्योंकि जो बकवास तू कर रहा है ना, अगर तुझे मालूम होता कि तू क्या बकवास कर रहा था, ये बकवास तू कभी करता ही नहीं. तो कल क्या कर रहा था तू अंदर बिस्तर पर, बता? क्यों ताला लग गया तेरे मुंह पे? Is everything okay guys? What happened? तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना? इंटरव्यू था, लेकिन रास्ते में एचआर का कॉल आया और इंटरव्यू कैंसिल हो गया है. लेकिन यहाँ का माहौल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि सब ठीक है. कोई बताएगा क्या हुआ है? तुम्हारे भाई को लगता है अमर कि कल रात को मेरे और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था. अभी व्हाट? भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल गलत है. छोटे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती. जो मैंने देखा है सही देखा है. तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरे और अभी के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जैसा आपके और नीलेश के बीच में है? छोटे, क्या कह रहा है ये सब? आपको शायद ये लगा होगा कि जब मैं आपके बारे में जानूंगा
तो ना जाने मुझे कैसे लगेगा। और ये जानने के बाद लिटरली भैया मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और ये जो आपकी सोच है ना कि रिलेटिव्स और सोसाइटी वाले आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर क्या सोचेंगे, तो भाड़ में जाने दो उनको। और रही बात अभी की, हाँ उसने मुझे किस किया था, लेकिन शायद उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो ऐसे ही करता, क्योंकि वो ब्रोकन था और मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। और उसी रात हमारे बीच ये क्लियर भी हो गया था कि हम सिर्फ केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। एंड लिटरली भैया अभी इज अ नाइस गाय एंड ही डिजर्व्स लव नॉट हेट।